महाराष्ट्र में नंबर बीजेपी के पक्ष में आए, लेकिन अमित शाह गठबंधन बचा नहीं पाए। शरद पवार ने दी शाह को मात। महाराष्ट्र के चाणक्य ने बना दी शिवसेना की सरकार। सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी आज बताएंगे महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार का भविष्य। अमित शाह को मात देने वाले महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार की कुंडली क्या कहती है? देखिए, माननीय शरद पवार जी की कुंडली में तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो इनका जो लेफ्ट ब्रेन है बहुत एक्टिव है, राइट ब्रेन को चार ग्रह कंट्रोल करते हैं, वो है चंद्रमा, बृहस्पति, शनि और केतु, और लेफ्ट ब्रेन को इनके पांच ग्रह कंट्रोल करते हैं, वह है राहु, शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन में बुध अतिथि योग इनका बुद्धि भाव में बनता है, तो इनकी जो दिमाग है बहुत क्रिएटिव है। ये जो टारगेट सेट करते हैं अपने लिए, उसको प्राप्त करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी लगाकर अल्टीमेट इनको टारगेट अपना अचीव करना है। और अगर आप महाराष्ट्र के इलेक्शंस की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो मेन आपके जो चाणक्य हैं वो आपके माननीय शरद पवार जी हैं, जिनका लेफ्ट ब्रेन इतना एक्टिव था कि उन्होंने बीजेपी में भी अपने सेल्स डाले, माननीय अजीत पवार जी को डाल के उनको वहाँ रोका, इधर जो है अपना कोई एक पुराना कर्ज भी उतार दिया, और अंततः महाराष्ट्र की राजनीति में वो चाणक्य बनकर उभरे। लेकिन ये एनडीए के साथ इनका फर्स्ट गेम है एज अ गेम चेंजर, या आप चाणक्य मानो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के बाद पता लगेगा, क्योंकि 8 अप्रैल 2020 तक इनके ग्रह बहुत बढ़िया हैं। जैसे ही 9 अप्रैल 2020 शुरू होगा, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग, एंड ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन इनके कुछ डिसीजंस जो हैं वो गलत होंगे, जिसमें अभी जो लोग सोच रहे हैं कि गठबंधन के चाणक्य ने एनडीए के चाणक्य को मात दे दी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंड रिजल्ट, और एंड रिजल्ट का पता आपको 8 अप्रैल 2020 से लेके 18 जनवरी 2021 के बीच में पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि असली चाणक्य कौन है, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। क्या दोहरा खेल खेलने वाले हैं शरद पवार? क्या ये उनका चरित्र है? देखिए, कहावत है एवरीथिंग इज वाइस इन लव एंड वॉर, इसी तरीके से राजनीति में भी एंड रिजल्ट प्राप्त करना होता है, और एक मकसद लेके एक राजनेता चलता है। अगर आपने पत्ते पहले खोल दिए तो आप राजनीति की विसात पर जीत नहीं सकते, राजनीति की विसात पे वही सक्सेसफुल होता है जो अपने पत्ते ओपन नहीं करता।
अभी आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, एक साइड के सारे पत्ते खुल चुके हैं, दूसरी साइड के अभी खुले नहीं हैं। तो राजनीतिक पॉइंट व्यू से अगर आप देखते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया, इन सब चीजों का एंड रिजल्ट जो है, आपको दिसंबर और जनवरी में समझ आएगा कि रिजल्ट क्या है, असली चाणक्य कौन है। क्या शरद पवार के भरोसे यूपीए की वापसी होगी? देखिए, बहुत आपकी तरफ से तो ये बहुत कठिन सवाल है, लेकिन इसकी मैं भविष्यवाणी आप ही के चैनल के माध्यम से कर चुका हूं कि 2024 जो होगा, ना भूतो ना भविष्यति, 2024 के रिजल्ट जो होंगे, दैट विल बी टोटली सरप्राइज। हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। जिस तरीके से राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने 415 सीट्स ली थी, 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें एनडीए 418 के अंक को टच करेगी किसी भी तरह। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक यूपीए दोबारा 2024 में सत्ता में आएगी। क्या शरद पवार की कुंडली में राष्ट्रपति योग है? आपका जो राजनीति है, राजनीति की शतरंज जो है, उसमें कोई भी एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने के अगर ख्वाब देखता है, तो आप उसको इस तरीके से मानिएगा कि जिस तरीके से प्यादे को डिफेंड करते करते आप उसको लास्ट वाले अपोनेंट के खाने में ले जाते हो, तो वो राजा, वो वजीर बन जाता है। यहां पर आप ही ने बताया कि शरद, माननीय शरद पवार जी की जो राजनीति है वो दोहरी है, उनका कुछ पता नहीं चलता वो किस ऊंट किस तरफ करवट लेगा। लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार माननीय शरद पवार जी का जो 18/1/2021 के बाद का समय है, वो अति उत्तम है। अब इसमें 2021 के बाद ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनका सफर 21 के बाद का क्या होगा, क्या ये प्यादा जो यूपीए की तरफ से आगे आएगा, अगर वो पाला बदल लेता है, मैंने जैसे भविष्यवाणी किया 24 के बाद 24 के रिजल्ट इस तरीके के होंगे, तो वहाँ कहीं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता, अगर कांग्रेस शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार में शामिल हो सकती है, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हो सकता है, तो ये कभी भी हो सकता है कि एनसीपी जो है किसी भी महत्वाकांक्षा के तहत बीजेपी को सपोर्ट करे या एनडीए को सपोर्ट करे। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि 2024 के इलेक्शन में एनडीए के वो सारे घटक जो एनडीए से बिखरे थे, वो सब आस्ता आस्ता एनडीए में वापस आएंगे। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के गेम से वो सोच रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को कहीं पर चोट पहुंचाई है, वो पॉसिबल नहीं है। क्या आने वाले समय में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरेंगे शरद पवार? देखिए, ऐसा उनका अभी जो समय है वो 2023 तक ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि उनके ऊपर ऐसी कोई
दबाव या ऐसा कोई प्रेशर कहीं से आएगा, क्योंकि वो हर प्रेशर में से बाहर निकल आएंगे अपनी समझ और उस सूझबूझ के तहत। उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है, और जिस व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है। आपने बोला कि दोहरी राजनीति रहती है उनकी, उनके बारे में कोई जान नहीं सकता कि अगली चाल उनकी क्या होगी। वो इनके लेफ्ट ब्रेन के मोस्ट ज़्यादा एक्टिव होने के कारण, और उसी के कारण इनकी जो प्रतिष्ठा बनी है कि सर अभी तक शरद पवार जी जो है जो भी गेम खेलते हैं उसका किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या करेंगे, क्योंकि बुध आदित्य योग इनके बुद्धि भाव में है, और शुक्र और मंगल योग इनका जो है सुख स्थान में है, और राहु जिसका, और वो भी कन्या का, पराक्रम भाव में होता है, उसको इतनी जल्दी आप कैच नहीं कर सकते, जम करके निकल आते हैं।